गुरुदेव के चिंतन के हस्ताक्षर इतने गहरे हैं कि संभव है कि इनके शरीर के रक्त को निकाल लिया जाए पर तब भी गुरुदेव के हस्ताक्षरों को हटा पाना संभव नहीं। ये जो गहराई के साथ गए हुए विचार है वो व्यक्ति को इतना अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति की रात की नींद भी अच्छा करने के उद्देश्य के साथ चली जाती है। और मैं कहूँगा, अभी कल ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि गायत्री परिवार के युवाओं ने जो काम किया वो आंकड़ों की दृष्टि से आप बता सकते हैं क्या? मैंने कहा बता तो सकता हूँ पर आंकड़ों की दृष्टि से उसका मूल्यांकन सही नहीं होगा। यदि आपको देखना होगा कि गायत्री परिवार के युवाओं ने क्या किया तो आपको अंतःकरण की पवित्रता की दृष्टि से तौल करके देखना होगा, आंकड़ों की दृष्टि से नहीं, आस्था की दृष्टि से देखना होगा। आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति को ग्राफ बनाने के लिए, व्यक्ति को संख्याओं को इकट्ठा करने के लिए, स्टेटिस्टिक्स को जुटाने के लिए सही पूछे तो कार्यक्रम करने की भी आवश्यकता नहीं होती। लोग एक कंप्यूटर के पास बैठकर आज की तारीख में आंकड़ों को इकट्ठा कर देते हैं पर उसको कर देने से न देश बदलता है, न राष्ट्र जागता है और न संस्कृति का पुनरुत्थान हो पाता है। यदि किसी को यह देखने का मन हो कि गायत्री परिवार ने क्या किया, गुरुदेव के चिंतन ने, गुरुदेव के संकेत ने, गुरुदेव के आदर्श ने किस तरह की सोच को, किस तरह की लहर को, किस तरह के अभियान को, किस तरह की क्रांति को जन्म दिया, तो वो देखने के लिए हमें इस सत्य को देखना होगा कि आज भारत की लगभग 65% आबादी युवा है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंकड़ा क्या कहता है? ये कहता है कि उस आबादी में से 52% किसी न किसी तरह के एडिक्शन से गुजर रहे हैं। तो बाकी के जो 48% बच गए उसमें से यदि 6 से 7 करोड़ युवाओं को गायत्री परिवार अकेला लेकर के बैठा है तो वो आंकड़ा ही इस बात को बता देने के लिए पर्याप्त है कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने का दायित्व तो किसने अपने हाथों में लिया। आज जब एक बहुत बड़ी जनसंख्या अपने जीवन के उद्देश्य को व्यसनों में गंवाती नजर आती है तो गायत्री परिवार के युवा वो युवा हैं दोस्तों जो अपने जीवन की ऊर्जा को सृजन में लगाते, भूखों को भोजन कराते, पीड़ितों को राह दिखाते, दुखियों के दुख को दूर करते, पर्यावरण को संतुलित करते, पहाड़ियों को हरा करते, नदियों को पुनर्जीवित करते दिखाई पड़ते हैं। यदि हम लोग इनके जीवन के अंदर जाएं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको एक नहीं हजारों ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे जहां उनके विषय में बताने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, ग्रंथों की सही चुक जाएगी पर तब भी शब्द कम पड़ने वाले हैं क्योंकि जो व्यक्तित्व गुरुदेव के चिंतन ने तैयार किए वो अद्भुत तैयार किए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।